ओम साई राम। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे कम बजट में मात्र 50 रुपए में श्री साईं बाबा का मंदिर यानी साईं धाम कैसे घूम सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊँगा आप सुबह का नाश्ता कहाँ से ले सकते हैं, प्लस 3 टाइम चाय कहाँ से पी सकते हैं, प्लस 3 टाइम का कॉफ़ी कहाँ से पी सकते हैं, भोजन 3 टाइम का कहाँ से कर सकते हैं, शिरडी धाम में फ्री बस का सेवा कैसे आप ले सकते हैं। ये सभी जानकारियाँ दोस्तों आपको मैं शेयर करने वाला हूँ और वो भी मात्र 50 रुपये में। इसके अलावा बताऊँगा सबसे कम बजट में आप शिरडी धाम में कहाँ रात को ठहर सकते हैं। अगर आपके साथ फैमिली जाती है तो फैमिली की ठहरने की सबसे उत्तम व्यवस्था क्या होगी, वो सभी जानकारियाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखना है। तो चलिए दोस्तों अब ओम साई राम का नाम लेकर वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आप शिरडी धाम कैसे पहुंच सकते हैं। शिरडी धाम आने के लिए सभी तरह की परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे आप चाहें तो हवाई मार्ग से भी शिरडी धाम पहुंच सकते हैं। शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेन मंदिर से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, या आप चाहें बस से भी शिरडी धाम पहुँच सकते हैं। शिरडी का बस स्टैंड मेन मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है और सबसे अच्छा और सबसे सस्ता आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं शिरडी साई धाम मंदिर। शिरडी रेलवे स्टेशन मेन मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं शिरडी धाम मंदिर पहुंचा था ट्रेन से। अब दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं शिरडी साई नगर रेलवे स्टेशन से। तो गाइस ये देख लो, ये अपना साई नगर शिरडी का रेलवे स्टेशन का सामने का व्यू काफ़ी बढ़िया है और यहाँ ना एक ऑटो वाले भैया मिले हैं। आप लोगों ना ऑटो के बारे में जानकारी देता हूँ भैया, ऑटो कब कब यहाँ मिल जाए कोई यहाँ से आता है और उसको मंदिर जाना हो तो? मंदिर जाना हो तो जब ट्रेन आती है तभी ऑटो यहाँ पे आती है, यानी कि हमेशा ऑटो आप नहीं मिलेगी। नहीं मिले। जैसे ट्रेन आने वाली होती है आप लोगों को मालूम होता है कि कब ट्रेन आने वाला है, उसी वक्त मिलेगी। उसी वक्त आज संडे है, आज आप लोग कब कब यहाँ आ रहोगे? अभी 9 बजे की एक ट्रेन है। हाँ, 11:30 बजे की एक। तो आप 9 बजे मिलोगे फिर 11:30 बजे मिलोगे, कोई 8 बजे आता है तो उसको वेट करना पड़ जाएगा। कुल मिला के यही बात है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। किराया बता दो कितना यहाँ से दूर है मंदिर? मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर दूर यहाँ से मंदिर है। रेंट कितना लगे, किराया कितना लगा? शेयरिंग में जाएंगे तो 20 रुपये सवारी लेते। हाँ हाँ, और ऐसे प्राइवेट करेंगे तो 150 रुपये लेते। तो 150 रुपये। तो गाइस फाइनली 20 रुपये लगा हमारा, लगभग मान लो कि 10 मिनट लगे होंगे 3 किलोमीटर से अंदर। ये 2.7 किलोमीटर मैप में बता रहा था, 3 किलोमीटर मान के चलना। और ये जो गेट देख रहे हो ना, ये गेट नंबर 8 है, यही ऑटो वाले भी आप लोगों को डायरेक्ट स्टेशन से उतार देंगे। फ्रेश होने के लिए बाथरूम की सुविधा अवेलेबल है, जहाँ मात्र 10 रुपये देकर आप टॉयलेट का यूज कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, ब्रश भी कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि वहाँ गर्म पानी भी अवेलेबल होता है। लेकिन गर्म पानी लेने के लिए थोड़ा सा आपको लाइन लगाना पड़ सकता है, अदरवाइज नॉर्मल पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। ये पूरी फैसिलिटी आपको मात्र 10 रुपये में देखने को मिल जाएगी। तो भाई देखो अभी मॉर्निंग के समय हो रहे हैं 7:52 और अपन नहा धोवा के ब्रश करके वॉशरूम जाके एकदम पूरा फ्रेश हो चुके हैं। और ये जो जगह था ना जहाँ अपन वॉशरूम के नहाए, बहुत ही बढ़िया जगह लगा। बाकी जहाँ के जो अपन नहाए, यहाँ बैग रखने का भी सुविधा है, लेकिन अपन 2 जन है और कैमरा है, सामान है बहुत महंगे, तो अपन बैग एक जन रखेंगे, एक जन जाके दर्शन कर लेंगे। और ये दिखा दिया, हॉट वाटर के लिए ना 5 रुपये प्रिंट था, लेकिन नहाने के लिए बोले कि 10 रुपये देना पड़ेगा, उसमें 5 रुपये हॉट वाटर का, 5 रुपये ठंडा वाटर का, 2 रुपये बाथरूम का नया, कुल मिला के 10 रुपये लिए, लेकिन हाँ अच्छा लगा। तो ये था पूरा पीछे अपना कुछ सीन, सुलभ टॉयलेट एंड बाथ कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। आप लोग जब भी आना ना तो यहाँ आना, मस्त आप लोग जो सर्विस है ना वो मिलने वाला है। अगर आप शिरडी आते हैं तो ब्रेकफास्ट करना मान लीजिए कि आपको कंपलसरी ही है, क्योंकि ये जो ब्रेकफास्ट है ना मात्र 5 रुपये में मिलता है और इसमें 5 पूरी रहता है, सूखा सब्जी मिलेगा और इसके साथ 1 पीस बर्फी भी मिलता है। ये प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को दिया जाता है और इसके लिए जो समय है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक ही ये प्रसाद आपको मिलेगा। बाकी सामने बोर्ड लगा है चाहा कैंटीन, टी कैंटीन करके, और यहाँ क्या क्या मिलने वाला है वो देख लो, चाय है, कॉफ़ी है, दूध है, बिस्किट है, मिनरल वाटर है, ये सभी चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये दिखा दो आप लोग, कॉफ़ी है और अमन भाई लिए हैं 2 रुपये का चाय। भाई साहब चाय का क्वांटिटी देखो कितना है, इतने बड़े कप में ना पूरा भर भर के दिए हैं। तो गाइज अब बात करते हैं आप कहाँ से एंट्री करेंगे
साईं भगवान का दर्शन करने के लिए। देखिए पहले का जो गेट था ना, वो गेट नंबर 2 से अपन एंट्री करते थे, मैंने भी यूट्यूब वीडियो देखकर आया था और 2 नंबर गेट के पास गया एंट्री करने के लिए, वहाँ से एंट्री बंद है पूरा, तो मैं कंफ्यूज था कि कहाँ से एंट्री होगी। बाद में मालूम चला कि नया गेट बना है और वो है गेट नंबर 7। मेरे पीछे जो गेट देख रहे हो ना, ये है गेट नंबर 7। अगर आप जनरल कैटेगरी से यानी कि फ्री में दर्शन करना चाहते हो तो गेट नंबर 7 से ही एंट्री करोगे। ये देख लो, ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है और वहाँ मेंशन भी है फ्री एंट्री। तो ये है गेट नंबर 7, इसके अंदर जाओगे और वहाँ से चढ़ के फिर आप लोगों को मंदिर के पास जाना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। बाकी हम एक और ट्रिक है मुख दर्शन करने का, जो कि मात्र 1 मिनट में हो जाता है, वो कैसे होता है वो आप लोग इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। गेट नंबर 7 और 8 के जस्ट बाजू में ही आप लोग को मोबाइल लॉकर देखने को मिल जाएगा, जहाँ मात्र 5 रुपये में आप अपना मोबाइल लॉकर में रखवा सकते हैं। यहाँ से दोस्तों पूरा फ्री शूज स्टैंड है, जहाँ से फ्री में अपने शूज को रख सकते हो, और इधर दिखा रहा था पूरा अपना मोबाइल काउंटर। बाकी जो गाइस आप लोग 7 नंबर गेट से एंट्री करोगे ना, वो 7 नंबर गेट से एंट्री करने के बाद इधर ही से रास्ते से जाओगे, ये जो रास्ता देख रहे हो, और इधर से जाके उधर आप लोग मंदिर में जाओगे। बाकी अगर आप लोग को ट्रस्ट के द्वारा रूम बुक करना हो या कोई भी आरती में जाना हो, उसका अगर ऑनलाइन स्लॉट बुक करना हो ना, तो यहाँ वेबसाइट भी लिखी है online.sai.org.in, तो इस पे जाके अपना स्लॉट जो है ना उसको भी आप लोग बुक कर सकते हो। ये सर मेरे पीछे आप लोग जो दुकान देख रहे हो, इसमें हर एक प्रकार आप लोगों को सामान देखने को मिल जाएगा, पूजा संबंधित, प्रसाद संबंधित, अलग अलग भगवान साईं जी के मूर्ति, छोटा मूर्ति, बड़ा मूर्ति, ये सभी का दुकान आप लोग को पूरा मतलब चारों तरफ दुकानें सजी है, तो वहाँ आप लोग को मिल जाएगा। बाकी ये वाला गेट नंबर 3 है, कोई भी व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड है वो आराम से इस गेट से उसको एंट्री करा दिया जाता है, आसानी होता है। और बाकी इस हॉल में ही ना बड़े बड़े एलईडी बोर्ड भी लगाए गए हैं, जो भी भक्त आते हैं ना वे एलईडी बोर्ड के द्वारा भी साईं भगवान जी का दर्शन आराम से यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। बाकी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूचना लिखी गई है, जैसे कि नारियल हो गया, फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, बैग हो गया, ये सभी किसी भी चीज़ को आप लोग अंदर लेकर नहीं लेके जाओगे। और ये है ना मुख दर्शन करने का रास्ता। तो मुख दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा है ना कि आप मुख दर्शन मात्र 1 मिनट में कर सकते हो, या भीड़ होगा तो 1 से मात्र 2 मिनट लगता है, या मैक्सिमम मान लो तो 3 मिनट। इसमें होता ही है कि जो पीछे वाला रास्ता दिखाया ना, यहाँ से जाओगे सीधे हॉल में पहुँचोगे, और हॉल जो है ना, जो मेन साईं बाबा का मूर्ति है, वहाँ से कुछ दूरी पर है, तो उतनी दूरी पर भगवान साईं जी का आप लोगों का जो हाफ बॉडी है ना वो दर्शन हो जाता है, इसी को मुख दर्शन बोलते हैं। काफ़ी जल्दी हो जाता है, अगर आप लोगों को कम समय में दर्शन करना होना तो मुख दर्शन काफ़ी बढ़िया है और ये फ्री भी है। मैं तो गया फटाफट दर्शन किया और आ गया, लगभग 1 मिनट भी नहीं लगा हुआ, गया अंदर दर्शन किया और फटाक से बाहर। कि ये आप लोगों को दिखाया मुख दर्शन करने का वे यानी कि रास्ता, और जस्ट इसके बाजू में देखते हो ना तो यहाँ दक्षिणमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है, तो आप लोग यहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हो। ये सभी पूरा मंदिर ना 50 मीटर 100 मीटर इतना ही दूरी में स्थित है, ज़्यादा कुछ खास दूरी में नहीं है, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप इधर भी जाके पूरा सिटी को ही घूम सकते हो। मेन मंदिर में भक्तों का दर्शन का जो समय है वो 6 बजे सुबह से लेकर 11 बजे रात तक रहता है, तो आप इस बीच कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं। तो अभी गाइज मैं पहुंचा हूं मेन मंदिर के तरफ, और मंदिर के जस्ट बाजू में देखते हो ना पीछे इस तरफ, तो पूरा के पूरा आप लोगों को दुकानें देखने को मिलेगा, जिसमें साईं भगवान का अलग अलग मूर्ति, फोटो और भी बहुत सारा कुछ आप लोगों को इधर देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के एक मेन मार्केट ही है, जो कि कुछ आप लोगों को ऐसा नज़र आएगा। मेन मंदिर के जस्ट बाजू में ही लगा हुआ है द्वारिका माई मंदिर, जहाँ साईं बाबा 60 वर्षों तक निवास किए थे, और द्वारिका माई मस्जिद भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर वो शिला भी मौजूद है जिस पे साईं बाबा बैठा करते थे। द्वारिका माई मंदिर यह वही मंदिर है जहाँ धूनी जलती है, जिसे ज्वाला भी कहा जाता है। अब लेके चलते हैं आपको श्री चावड़ी मंदिर। यह वह स्थान है जहाँ साईं बाबा सिटी में अपने प्रवास के दौरान हर दूसरी रात सोते थे। उनकी अनुयायियों द्वारा उन्हें द्वारिका माई से चावड़ी तक एक जुलूस में ले जाया गया था। अब चलते हैं खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर वह स्थान है जहां पहली बार शिरडी में साईं बाबा ने अपना कदम रखा था। साईं बाबा एक विवाह समारोह में आमंत्रित थे। उन्हें देखकर मंदिर के पुजारी मल्हास पति ने उन्हें आओ साईं कहकर संबोधित किया, जिसके बाद से दुनिया भर में बाबा को साईं के नाम से जाना जाने लगा। एक और इम्पोर्टेंट नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ, जिनको भी यहाँ से साईं सिग्नापुर जाना होना, उनके लिए जो ये वाला व्हीकल देख रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे व्हीकल है जो खड़े रहते हैं, और उसका ड्राइवर जो है वो खुद पूछते हैं, 200 रुपये में आना जाना आप लोगों को करा देंगे। तो जिनको भी शिरडी से सिग्नापुर जाना हो वे लोग इस गाड़ी को लेकर चले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से 3 घंटे का टूर होता है, घुमा के वहाँ से ये लोग ना वापस भी लाए थे। वैसे आप जब भी जाइएगा तो अपने ड्राइवर से क्लियर अच्छे तरीके से बात कर लीजिएगा, कितना पैसा लेने वाले हो, कितना टाइम लगेगा और कहाँ कहाँ घुमा के वापस लाओगे, राइट। दोस्तों अब बात करते हैं शिरडी में आप कहाँ रुक सकते हैं। देखिए वैसे अगर आप सुबह सुबह पहुँच गए हैं शिरडी, तो आप पूरा मंदिर घूम के शाम तक अपना वापस भी ट्रेन से जा सकते हैं घर के लिए। लेकिन अगर आपको रुकने का इच्छा है तो मैं बताता हूँ कहाँ आप
सबसे कम पैसों में रुक सकते हैं। इसके लिए श्री साईं बाबा संस्थान के द्वारा कई सारे भक्त निवास बनाए गए हैं। जो प्रमुख भक्त निवास है उसके बारे में एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्वारावती भक्त निवास के बारे में, जो कि मंदिर से मात्र 700 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप चाहें तो बाइवॉक भी जा सकते हैं। द्वारावती भक्त निवास में एसी रूम का किराया 900 रुपीज है और एक रूम में 3 व्यक्ति रह सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति का 300 रुपये यहाँ लगने वाला है। वही आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो एक रूम का 500 रुपये चार्ज लगेगा, जिसमें 3 व्यक्ति रह सकते हैं। डिवाइड किया जाए तो 166 रुपये के आसपास लगेगा एक व्यक्ति का नॉन एसी रूम के लिए, और 24 घंटा आराम से वो वहाँ ठहर सकता है। बाकी एक्स्ट्रा पर्सन आपके फैमिली से कोई हो जाता है, जैसे कि 3 व्यक्ति के जगह पे 4 व्यक्ति हो जाता है, तो 50 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, वो एसी में भी और नॉन एसी में भी। तो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया सुविधा श्री साईं बाबा संस्थान के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ द्वारावती भक्त निवास में कैंटीन की भी सुविधा है, जहां 2 रुपए में चाय, 3 रुपए में कॉफी, 3 रुपए में दूध की व्यवस्था हो जाती है। साथ ही साथ फ्री भोजन की व्यवस्था भी द्वारावती भक्त निवास में दिया जाता है, जिसका टाइमिंग सुबह के 10:30 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक मिल जाएगा। इसके बीच आप जितने बार चाहें उतने बार जाके भक्त निवास में खाना खा सकते हैं। तो ये है साईं बाबा भक्त निवास, और इसमें लगभग 500 रूम की कैपेसिटी है, लेकिन अभी गए थे हम लोग अंदर, वहाँ मालूम चला कि पूरा फुल है। साईं बाबा भक्त निवास स्थान मेन मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बाकी किसी भी आप ट्रस्ट के स्थान पर रुकते हो, निवास लेते हो, तो यहाँ से बस चलती है, जो कि देखो एक बस जाने वाली है। ये फ्री भी आपको सीढ़ी जो मेन मंदिर है ना वहाँ पहुँचा देगी फ्री में, और 24 घंटे बस चलती है। लगभग हर 15-20 मिनट में आपको नई नई बस देखने को यहाँ से मिल जाएगा। अब चलते हैं साईं आश्रम भक्त निवास स्थान में। ये मंदिर से लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ अगर आप एसी रूम बुक करते हैं 24 घंटे के लिए, तो मात्र 600 में बुक कर सकते हैं, 3 व्यक्ति आराम से एक रूम में रह सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति का एसी रूम का किराया लगभग 200 लगने वाला है। वही नॉन एसी रूम का प्राइस मात्र 250 है 3 व्यक्तियों के लिए, तो 100 रुपये से भी कम में आपको नॉन एसी रूम देखने को मिल जाएगा साईं आश्रम भक्त निवास में। तो फिलहाल गाइज अपन अभी बैठे हैं ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले बस में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जहाँ भी निवास लेते हैं ट्रस्ट में, वहाँ से नया बस चलती है, मंदिर के पास रुकेगी और मंदिर से दूसरे ट्रस्ट के पास जाएगी। तो आपको जहाँ भी जाना हो ना, आप इस बस से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल कर सकते हो। तो फाइनली गाइज मैं अभी पहुँचा हूँ प्रसादालय के पास। ये भी एक ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाने वाला प्रसादालय है, और यहाँ पर जितने भी भक्त होते हैं ना सबको खाना खिलाया जाता है, प्लस यहाँ प्रसाधन यानी कि टॉयलेट की भी सुविधा है, और हर एक प्रकार की फैसिलिटी जो है ना यहाँ दी गई है। और ये एक ऐसा मेगा किचन है ना, जहाँ जो फूड भक्तों के लिए तैयार किया जाता है ना, उसको बनाया जाता है सोलर पैनल के द्वारा। तो कुछ ऐसा लाइन में लगे कूपन लेना पड़ता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइन बहुत खाली था तो मुझे जल्दी ही कूपन मिल गया। चलते हैं अंदर। तो भाई अपन अभी आ चुके हैं प्रसाद आलय में, और यहाँ एक बार में भाई साहब 3500 लोग खाना खा सकते हैं। बहुत बड़ा, मतलब पीछे देखोगे ना तो लोग संख्या में बैठे हैं और अपना मील इन्जॉय करेंगे। आते हैं फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ आ रहा है। फाइनली अभी तक आप लोग को इस वीडियो में मैं शिरडी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट जानकारी है ना वो दे दी, और मैं अभी गया था प्रसादालय में खाना खाया, आप लोगों को दिखाया था, और अब मैं निकल गया हूँ बाहर। यहाँ से जाऊँगा शिरडी स्टेशन और वहाँ से ट्रेन पकड़ के अपने घर के लिए रवाना हो जाए। सो आई होप कि आप लोग का जो वीडियो ना काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो, शिरडी से संबंधित पूरी जानकारी आप लोग को दे चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्यारा से लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा आप लोगों को बेस्ट पार्ट लगा, और हाँ चैनल पर पहली बार आए हो ना तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलेंगे आप लोगों से एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।